पैनल बंसल बायले जी, आज हमारे साथ है मनीष जो कि अपनी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं फ्रॉम आईजीआईपी दिल्ली। सबसे पहले मनीष थैंक यू सो मच थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए बंसल बायले जी के लिए एंड स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। यो थैंक्स अवंतिका फॉर गिविंग मी सच अपॉर्चुनिटी कि मैं किसी को आगे गाइड कर सकूं जितना एक्सपीरियंस मुझे अभी हुआ है इस फील्ड एंड थैंक्स टू यू। तो मनीष सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि आपने एमएससी कहां से किया, पीएचडी कहां से कर रहे हो, थोड़ा सा इन डिटेल। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष चौधरी। आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार एंड माय सब्जेक्ट वाज माइक्रोबायोलॉजी एंड आई एम परस्यूइंग माय पीएचडी फ्रॉम सीएसआर आईजीआईबी एंड आई एम इन थर्ड ईयर। सो recently, I am working with Dr. Archana Singh and my lab basically focuses on the skin biology. Okay. So, पहली बात मनीष, क्या आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे IGIB है क्या? Students को थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। Yeah. So, there are many labs in the country. So, IGIB stands for Institute of Genomics and Integrative Biology. So, IGIB basically works on the genomics part. Like what are the genomics and what are the genes which are present in the body. So first, so IGIB has also done the first genomics sequence of human being that was done in 2009. So all the genomics work on humans and zebrafish are being done here. Okay, great. So Manish, आप बता सकते हैं किस तरीके से apply कैसे करते हैं? जैसे अगर एक student का national level exam कोई भी clear है तो किस तरीके से इधर apply करें? ओके ओके, सो जैसे कि मेरा 2018 दिसंबर क्लियर हुआ था, सो उस टाइम 6 महीने में रिजल्ट आते थे, देन उसके बाद एक प्रोसीजर होता है ACSIR के थ्रू हमें भरना पड़ता है। ये एक टाइप की यूनिवर्सिटीज है जिसके अंदर सारे CSIR के इंस्टीट्यूट्स आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फिल दैट फॉर्म इन विच दे विल गिव यू 3 ऑप्शंस टू सेलेक्ट फ्रॉम ऑल द CSIR इंस्टीट्यूट्स। सो आई हैव फिल्ड, जहां तक याद है मुझे, फर्स्ट मैंने IGIB चूज करा था, बाकी और इंस्टीट्यूट चूज करे थे। देन आफ्टर फिलिंग इट दे विल टेल यू दैट आपका इंटरव्यू कब है और किस टाइम आपको अप्लाई करना है। सो उसके भी दो रूल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू दो टू स्टेज इंटरव्यू होता है। फर्स्ट इंटरव्यू आपका बेसिक नॉलेज देखेंगे वो और आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। सेकेंड इज द आपका रिसर्च प्रपोजल। So at the time of filling of the form, you have to give your research proposal to IGIB. अच्छा, मतलब यहाँ पे शुरू में जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तभी आपको रिसर्च प्रपोजल दे देना है। Exactly. So आपने if you are selected, if you are selected after the first round, then in the second round you have to present your research proposal in front of the committee members. In front of the committee members. तो यहाँ पे research proposal में आपने पहले से ही सोच के रखा था कि आपको किस topic पे research करनी है, उसी हिसाब से आपने apply किया था यहाँ पर IGIB में? Yeah, exactly. As मेरा background micro का था, so मुझे MTB पे work करना था, tuberculosis पे. So I searched, there were 3 scientists which were working on mycobacterium tuberculosis. So I just read all the papers regarding them, what they are doing. Then I just उसके बाद मैंने अपना research proposal बनाया कि उनसे link करता हुआ कि कैसे मेरा काम आगे रहे। अच्छा, तो उस हिसाब से आपने research proposal बनाया था। Exactly. आप बताएंगे कि students को किस तरीके से research proposal लिखते हैं, मतलब उनमें क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या दिमाग में रखना होता है, थोड़े बहुत अगर आप बता सके। क्या sure. तो सबसे पहले आपका एक broad theme होना चाहिए कि आपको इसी चीज पर वर्क करना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप किसी को अप्रोच कैसे करें। मान लीजिए एक एक्स साइंटिस्ट है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी प्रोफाइल देखते हैं, आपको अगर अच्छा लगता है तो मींस माइक्रोबायोलॉजी, लाइक माइक्रोबायोलॉजी इज अ वेरी बिग वर्ड, बट इफ वी वांट टू डू रिसर्च इन स्पेसिफिक एरिया लाइक ऑन स्पेसिफिक बैक्टीरिया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस साइंटिस्ट का आप एक बार पढ़िए कि वो क्या काम कर रहे हैं, उसका थोड़ा ब्रॉड अपना नॉलेज बढ़ाइए। देन उसके हिसाब से जो वो काम कर रहे हैं उससे लिंक करते हुए थोड़ा सा आपको ना रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। सो उसके लिए आप क्या करिए, NCBI या PubMed की साइट पे जाइए, डायरेक्ट वो कीवर्ड डालिए जिसके जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, उन पे लिंक करके आप अपने एक प्रपोजल बना सकते हैं। प्रपोजल की 3-4 चीजें होती हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, सेकेंड व्हाट इज द प्रॉब्लम,
थर्ड व्हाट इज नॉट नोन, एंड फोर्थ हाउ कैन यू सॉल्व इट। तो ये चार चीजें होती हैं प्रपोजल बनाने की, और यही एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है। तो कैसे मतलब स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि उसको क्या रिसर्च करनी है, यही सब पेपर्स देख के फिर वो अपना थोड़ा ब्रेन ओपन करेगा और उसी से ही मतलब उसको समझेगा कि क्या उसको रिसर्च करनी है। एग्जैक्टली सो जैसे हम एमएससी में आ जाते हैं, एमएससी के बाद थोड़ा हम नेट निकालते हैं, तो 80 to 90% बच्चे यही सोचते हैं कि वी वांट टू डू पीएचडी एंड समथिंग लाइक रिसर्च। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इंस्टीट्यूट्स के बारे में देखना चाहिए आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है। लाइक मेरा माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड था, तो मेरा माइक्रो एंड इम्यूनोलॉजी में इंटरेस्ट था। सो एज आई एम ऑल्सो वर्किंग इन इम्यूनोलॉजी ऑल्सो, एंड आगे आप साइंटिस्ट को सर्च कर सकते हैं कि जैसे किस कुछ लोग होते हैं जो बायोइनफॉर्मेटिक्स में जाते हैं, मींस दे आर द ट्रायल लैब, दे हैव टू ओनली डू द डेटा एनालिसिस एंड समथिंग। सो वो रिसर्च पे इंटरेस्ट होता है आपका, किस पे जाना चाहिए। तो आई थिंक कि आपका जो बैकग्राउंड होता है या जहाँ से मास्टर्स होती है, जिसमें आप फोकस उसी पे करिए, क्योंकि आगे आपको ज्यादा हेल्प मिल पाएगी उसमें। मनीष आप बता सकते हैं कि जैसे आपने बोला दो इंटरव्यू होते हैं, तो सबसे पहले इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको कोई याद हो क्वेश्चंस तो आप वो बता पाएं। या एग्जैक्टली सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटरव्यू में जाएंगे तो पहले आप इंटरव्यू लेंगे, देन उसके बाद वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज योर रिसर्च इंटरेस्ट, देन यू हैव टू टेल आई वांट टू परस्यू माय पीएचडी और रिसर्च इन दिस फील्ड, देन दे विल आस्क यू अबाउट दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मीन्स जैसे मैंने माइक्रो बोला था, तो उन्होंने पूरा डिटेल में पूछा था कि माइक्रो इज अ ब्रॉड थिंग, तो मैंने बताया कि मुझे एमटीबी पे वर्क करना है, तो उन्होंने एमटीबी पे काम पूछा था, फिर क्वेश्चन पूछे थे। एग्जैक्टली लाइक हाउ विल बी स्टे इन एमटीबी, व्हाट आर दीज एक्सडीआर ड्रग्स, देयर आर मेनी ड्रग्स ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसी ड्रग्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, और फिर जो इंटरव्यू टू होता है वो तो पूरा आपका रिसर्च प्रपोजल के हिसाब से होगा। एग्जैक्टली सो यू हैव टू बी आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए, सारी टेक्निक्स जो उसमें यूज करोगे, कैसे आपको करना है आगे वो, क्योंकि एक एक चीज पूछेंगे आपसे, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक पूछ लेंगे। तो इसमें मतलब इन शॉर्ट आपको टॉपिक पहले से सोच के जाना, जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए भाई ये टॉपिक पे मुझे रिसर्च करनी है, तो पूरा होना चाहिए। एग्जैक्टली अच्छा, उसके अलावा मनीष आप बताना पाएंगे, जैसे आपने अभी बोला एनसीपीआई से पढ़ना चाहिए, पबमेड से पढ़ना चाहिए, उसके अलावा कोई जर्नल्स अगर स्टूडेंट्स पढ़ना चाहे तो कौन सी रेफर करनी चाहिए, अच्छी रिसर्च अगर पढ़नी है तो स्टूडेंट्स को? या सो देखिए सबसे बेस्ट रिसर्च तो जर्नल्स होते हैं, लैंसेट, नेचर, सेल, साइंस, तो इनके जो रिसर्च होती है वो काफी ऊपर के लेवल की होती है, तो अगर इनके लेवल के रिसर्च पढ़ेंगे तो मतलब पेपर पढ़ेंगे इनके जर्नल्स के, तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो जर्नल तो बहुत सारी होती है, बट इम्पैक्ट उनपे इम्पैक्ट फैक्टर वैल्यू करता है, जितना ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर रेपुटेशन उसमें और उतने अच्छे पेपर पेपर पब्लिश होते हैं। तो जैसे सेल हो गया, सेल रिपोर्ट, साइंस, नेचर, नेचर कम्युनिकेशन एंड न्यूक्लिक एसिड रिसर्च, तो ये वाले पेपर आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपका रिसर्च माइंड और ब्रॉड होगा। अच्छा मनीष आप अपने खुद के रिसर्च के बारे में बताना चाहेंगे कि आप किस क्या रिसर्च है आपकी एग्जैक्टली? या सो बेसिकली आई एम डूइंग माय रिसर्च ऑन विटिलिगो एंड स्किन कैंसर्स। सो माय रिसर्च थीम रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेटिनोसाइट्स बायोलॉजी। आई बेसिकली वर्क ऑन कैरेटिनोसाइट्स ओनली। सो वी आर हियर टू डेसिफर द रोल ऑफ विटिलिगो इन स्किन कैंसर। ओके ओके, सो अगर हम पूछे आपसे कि कोई रिसर्च आइडिया स्टूडेंट के लिए, कैसे रिसर्च आइडियाज अगर आप बोले कि आजकल मतलब किस पे आज ब्रॉड हो रही है रिसर्च, उधर आजकल टॉपिक बहुत चल रहे हैं रिसर्च में, तो ऐसे कोई टॉपिक्स आप बता सकते हैं? या एग्जैक्टली सो आज की डेट में जो हॉट टॉपिक है वो है इम्यूनोलॉजी एंड कैंसर। एज कैंसर मतलब ऐसा है ना कि कैंसर पे हर कोई काम करना चाहता है, लेकिन और पता भी है सबको बारे में मोस्टली, लेकिन आप एक कीन इंटरेस्ट लेके कि मुझे इसी कैंसर पे काम करना है या उसके बारे में कम पता हो थोड़ा, तो उस पे काम कर सकते हैं। वैसे आज की डेट में इम्यूनोलॉजी इज द बेस्ट, एंड अभी जैसे कि पेंडेमिक चल रहा है तो COVID-19 है, वायरोलॉजी हैज उन्होंने एकदम से शूट कर दिया, तो वायरोलॉजी भी बहुत अच्छा काम हो रहा है आज की डेट। सो जनरली कितना टाइम लग जाता है पीएचडी में, क्या पीएचडी 5 साल ही लगता है इंडिया में या फिर क्या होता है ऑन एन एवरेज? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो 5 साल की फेलोशिप होती है, नॉट पीएचडी।
अच्छा ओके, फेलोशिप हाँ इज ऑफ 5 ईयर्स हाँ एंड इट डिपेंड्स कि आप अगर 5 साल में कंप्लीट करते हो और आपका गाइड भी एग्री होता है तो यू कैन गो, बट इन इंस्टीट्यूट इट टेक्स अप्रोक्स 6 ईयर्स ऑल्सो, 6 to 7 ईयर्स ऑल्सो इफ योर गाइड इज गुड। सो आप 5 साल में 5.5 ईयर्स में भी कर सकते हो, क्योंकि सम अप करने में, हर चीज पीएचडी थीसिस करने में, थीसिस लिखने में एंड वायवल देने में इतना टाइम लग ही जाता है। ओके okay, और अगर मतलब सो 5 साल से ऊपर गया तो उसके बाद फिर आपको वो नहीं मिलता, फेलोशिप नहीं मिलती। एग्जैक्टली फेलोशिप नहीं मिलती, 5 ईयर्स की फेलोशिप होती है बस। अगर मनीष जैसे हम लेते हैं किसी एमएससी कोई स्टूडेंट है और उसको ओके रिसर्च में जाना है, लेकिन ऐसा होता है ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिनको उधर कोई एक्सपोजर नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो वो किस तरीके से शुरू करें, मतलब कैसे स्टार्ट करें, सर्च क्या करें, कैसे उनको स्टार्ट करना है? सो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरा ही एग्जाम्पल था ये। सो जैसा आपने कहा ना कि बिल्कुल कुछ नहीं था वहाँ पे कुछ, तो सबसे पहले मुझे पता था कि मुझे रिसर्च में ही जाना, तो मैंने अपना डिसर्टेशन ही सीएसआर इंस्टीट्यूट से करा था। सो अच्छा आई हैव डन माई डिसर्टेशन फ्रॉम सीएसआईआर एनबीआरआई लखनऊ, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो मुझे इसमें जाना था। तो वहां जाके मुझे थोड़ा चीजों का पता लगा, हाउ टू रीड पेपर्स, हाउ टू अप्रोच साइंटिस्ट एंड हाउ टू डू एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले एमएससी में, जैसे कि अच्छी यूनिवर्सिटीज होती है, तो वहाँ पे जो प्रोफेसर होते हैं वहाँ पे पहले ही रिसर्च आउटपुट देना स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चों को पता होता है। और जो कुछ छोटी यूनिवर्सिटीज होते हैं वहाँ इतना आउटकम नहीं हो पाता है, वो अपना सिर्फ एकेडमिक्स पे ध्यान देते हैं। तो अगर आपको रिसर्च में थोड़ा जाना है तो किसी पीएचडी वाले को फोकस, मतलब आप पूछिए कि आप कैसे पढ़े, क्योंकि वो थोड़ा उनका माइंड, जैसे हम थर्ड ईयर में आ गए तो हमारा थोड़ा साइंटिफिक आउटपुट और थोड़ा अच्छा हो गया पहले से, तो उनसे आप पूछ सकते हैं। और कुछ उन वो भी अच्छा गाइड कर सकते हैं कि आप ये चीज पढ़िए, इससे ये हो रहा है, तो ये हेल्प करेगा उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो माइक्रो, मतलब जो भी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हमें डेजर्टेशन करनी है किसी स्पेसिफिक जगह से, तो किस तरीके से प्रोसीजर क्या होता है कि हमें उधर से डेजर्टेशन करना है, तो क्या क्या करना होता है हमें? ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हर जगह अप्रॉक्स 6 मंथ्स की डेजर्टेशन होती है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में 3 मंथ्स की डेजर्टेशन होती है, जैसे कि हमारे में था। अच्छा सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने गलतियां करी थी, लेकिन हम बता देते हैं कि बच्चों को वो नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट से डेजर्टेशन करनी है, तो हाँ उन साइंटिस्ट को आप मेल कर दीजिए कि आई एम दिस दिस एंड आई वॉन्ट टू डू डेजर्टेशन अंडर यू एंड आपका काम मुझे अच्छा लगा। तो हाँ अगर उनका मेल आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो आप जाके मिल सकते। मिल सकते हो डायरेक्टली। तो हाँ एग्जैक्टली थोड़ा तो एफर्ट दिखाना पड़ेगा, नहीं कहेंगे कुछ नहीं, मना ही करेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आप मिल सकते हो एंड दैट विल बी गुड। हाँ अब ऐसा नहीं है कि आप एक इंस्टीट्यूट में ट्राई करो, क्योंकि हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है आपको, तो आप और इंस्टीट्यूट में भी ट्राई कर सकते हो। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अच्छी मिलेगी, तो आप अगर कभी इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप वहां भी अपना वो हेल्प कर सकते हैं आप वो चीज़। आप कोई ऐसे फ्री बता सकते हैं कि अगर कोई फ्री सोर्सेस हो स्टूडेंट्स के लिए जहां पे वो अप्लाई कर सकते हैं ऐसे रिसर्च एक्सपोजर के लिए या फिर कहीं पे? फ्री सोर्सेज ऐसे ना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं हाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। प्रोग्राम से। हाँ एग्जैक्टली सो अभी ना कोविड पैंडेमिक की वजह से अभी ना सब बंद है, मीन्स मैं अपने इंस्टीट्यूट की बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलते थे बट अच्छा अभी सब बंद है। और ऑनलाइन तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको वेट लैब का काम करना है तो एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, ट्रायल लैब तो आप कर सकते हो, तो ऐसे वर्कशॉप्स चलती रहती हैं। सो आप अगर साइट्स पे देखोगे सबके इंस्टीट्यूट के, तो वहाँ आता रहता है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक जैसे कि थोड़ा वेव खत्म हो रहा है पैंडेमिक, आई थिंक हो जाए जल्दी, तो वो जल्दी जल्दी तो स्टार्ट मतलब हो जाएगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ही आप जाइए, वेबसाइट पे जाइए और सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगी वर्कशॉप्स। स्किल डेवलपमेंट होता है हमारे यहाँ तो होता था, मतलब एग्जैक्टली ओके। और उसके अलावा मनीष सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि भाई पीएचडी कर ली तो पीएचडी के बाद क्या करेंगे, मतलब एमएससी के ओ स्टूडेंट में जनरली ये क्वेश्चन आता है, पीएचडी तो कर ली 5 साल एक्स कर लेंगे उसके बाद क्या करें हम? नहीं, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये हर पीएचडी वाले के मन में भी होता है। सो देखिए अगर आपको, आपके 5 साल हो गए, मींस नहीं, 5 साल नहीं हुआ, आपके फोर्थ 4 साल हो गए, तब आप सोचते हो कि अब आगे क्या, क्योंकि 1 साल बचा होता है। ठीक है, अगर आपको इसी फील्ड में रहना है सो आपको क्या करना है, तो इसके बाद पोस्ट डॉक होती है, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। ठीक है, तो आप उसके लिए अगर आप इंडिया में हैं तो आप बाहर अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई करते रहिए, चांस मिलेगा तो आप जा सकते हैं। अच्छा,
दूसरा होता है कि आपने पीएचडी कर लिया तो किसी आप इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, और तीसरा आप क्या नाम है किसी असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी सकते हैं। सो जैसा कि हमारा आईजीआईबी का रूटीन है, रूटीन कह सकते यही कह सकता हूँ कि 90 या 95% स्टूडेंट्स दे गो फॉर पोस्ट डॉक, स्पेशली इन यूएस, इन एनी ऑफ द कंट्री। सो वहाँ लैब अच्छी मिलती है, थोड़ा रेपुटेशन भी रहता है कि हम अच्छी लैब से आए, अच्छे इंस्टीट्यूट से आए, तो वहाँ पे मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो पोस्ट बेसिकली डॉक तीन ऑप्शन है मेल। एग्जैक्टली या तो आप पढ़ा भी सकते हो, तो और भी चीज़ें होती हैं लाइक आप रिसर्च एसोसिएट लग सकते हो किसी अच्छा लैब में कि आपने वहाँ काम करा है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एनपीडीएफ होता है तो वो इंडिया में ही होता है, आप वहाँ पे लग सकते हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इंडस्ट्रीज जैसे किस टाइप के, जैसे आपका माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड है तो माइक्रोबायोलॉजी में किस हाँ टाइप की इंडस्ट्रीज होंगी? लाइक वहाँ क्यूसी का वर्क होता है जहाँ तक मुझे पता लग रहा है। जब हम एमएससी में थे तो इंडस्ट्रीज आती थी, मतलब कंपनीज आती थी अलॉटमेंट के लिए बच्चों के, तो क्यूसी का वर्क होता है वहाँ पे। तो इस टाइप से जैसे कि अब हम सेल कल्चर पे काम करते हैं, ठीक है, तो हर कंपनी में एक R&D डिपार्टमेंट होता है, तो डायरेक्टली जो PhD वाले होते हैं उनको वहाँ रिक्रूट कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो, क्योंकि अब PhD कर लिए तो उतना तो करते ही हैं, ठीक है, तो वो R&D डिपार्टमेंट में डायरेक्ट उनका रिक्रूटमेंट हो जाता है, और थोड़ा अच्छा पे भी करते हैं फिर, क्योंकि आफ्टर यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5 years तो यही रहता है इशू उनका। तो पे स्केल कितना होता है जैसे आप बोल रहे हैं? अच्छा, पे स्केल तो लगभग कितना पे स्केल जाता है? पे अप्रोक्स 70 70 एंड 70। अबव या अच्छा, 70 एंड अबव। इसके अलावा मनीष, अगर आप स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहें जो सोच रहे हैं जाने की रिसर्च में, तो अगर आप कुछ भी बताना चाहें उनको किस तरीके से वो करें इन शॉर्ट में अगर। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि पहले अपना एक फोकस रखें कि मुझे इसी पे काम करना है। मतलब ऐसा होता है कभी कभार कि आप जिस चीज़ पे काम करना चाहो वो आपको नहीं मिलता है, मतलब जैसा मेरे साथ हुआ था, तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको थोड़ा टाइम लगेगा बट आप उस चीज़ के कैपेबल हो जाओगे। आप अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, लाइक मेरा माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड था लेकिन मैं सेल बायोलॉजी में आया हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें में डिफरेंस हुआ, मतलब सीखने में टाइम लगा लेकिन सब स्मूथ जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको सिर्फ यही करना है, बेसिक नॉलेज रखिए, और जैसे अगर आप रिसर्च फील्ड में जा रहे हैं तो थोड़ा अपना साइंटिफिक आउटपुट अच्छा रखिए फ्रॉम डे वन ओनली, क्योंकि थोड़ा होता है ना कि हम आ गए हैं तो आप कर लेंगे, नहीं, डे वन से आप अच्छा रखिए तो आगे बस स्मूथ जाएगा, और जितनी जल्दी हो सकेगा गाइड अच्छा मिलेगा। थोड़ा एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, कहीं भी आप जा रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वहाँ पे कुछ लिंक ढूंढिए, और जिस गाइड के अंदर आप जाना चाह रहे हैं वहाँ के बारे में हर चीज पूछे, हाउ इज द गाइड, हाउ इज हिज नेचर, एंड हाउ ही इज डूइंग हिज वर्क। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन अगर नेचर अच्छा नहीं है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और नेचर अच्छा है अगर काम अच्छा नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे, आपका फ्यूचर हो जाएगा। और दो तीन चीजें और होती हैं कि गाइड के पास, मतलब हम तो PI बोलते हैं वैसे, तो PI के पास प्रोजेक्ट है या नहीं है, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट नहीं होगा तो उनके पास फंडिंग नहीं होगी, फंडिंग नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाओगे क्योंकि आप सामान नहीं खरीद पाओगे। तो ये दो तीन चीजें अच्छे से ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा मनीष, आपने शुरू में एक बात बोली थी कि आपने अप्लाई किया था तो आपने 3 CSIR भरे थे, ठीक है? तो ये या आपने अप्लाई कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे आपने अप्लाई किया? सो एग्जैक्टली, सो इट इज ACSIR, एकेडमिक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च। सो यही सारे इंस्टीट्यूट्स को इन्होंने, जो CSIR के इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक ACSIR इज लाइक अ यूनिवर्सिटी, सो सारे CSIR के इंस्टीट्यूट इसके अंदर आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ACSIR का फॉर्म भरना पड़ता है, acsir.res.in, आई थिंक यही इनकी साइट है। सो ये हमेशा जब हमने भरा था फॉर्म 2019 में, तो अप्रॉक्स अप्रैल या मई में इनके फॉर्म आते हैं, सो यू हैव अच्छा, टू फिल द फॉर्म एट दैट टाइम। लेकिन अब मुझे पता लगा है कि अब CSIR इंस्टीट्यूट्स में 2 टाइम एडमिशन होते हैं, एक अगस्त में एंड एक जुलाई में। सो आई थिंक अब जो आपका अक्टूबर या नवंबर होता है उस टाइम भी फॉर्म आते हैं, तो यू कैन चेक, शायद आते हैं, मीन्स आई एम नॉट कंफर्म अबाउट इट, क्योंकि हमारे जो जूनियर्स हैं वो अगस्त जुलाई के सॉरी जनवरी के बैच में भी आने लगे थे, सो इसलिए होना स्टार्ट हो गया, तो जुलाई एंड जनवरी, तो दो दो सेशंस होते हैं, पहले सिंगल सेशन होता था जुलाई वाला जब जब हमने एडमिशन लिया था।
ओके मनीष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद दस या या बायोलॉजी। आपकी बहुत गाइडेंस, आपने बहुत अच्छी गाइडेंस दी है। आई होप स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा या या श्योर श्योर कोई डाउट है मनीष से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं मनीष को जरूर वो डाउट्स पोस्ट कर पास करूंगी ताकि मनीष उनका जवाब। या श्योर थैंक या यू श्योर सो मच मनीष ओके फॉर थैंक ज्वाइनिंग यू विद दिस। या थैंक यू बाय।